आज के दिन हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में 1% के ऊपर का अपसाइड देखने को मिला है लास्ट ट्रेडिंग डे में, और अगेन स्टॉक ने ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दिया है। इसी लेवल से ऑलमोस्ट 560 तक का फॉल देखने को मिला था, अगेन इसी लेवल को रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दे चुका है। अभी आगे यहाँ क्या करना है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा हुआ है तो टाटा मोटर्स यहाँ से आने वाले दिनों में ऊपर ही जाने की संभावना ज़्यादा बन रही है, जिस तरह से ईवी सेगमेंट में खबरें निकल कर आ रही है। अगर आने वाले 2-3 सालों तक भी होल्ड करते तो आपका यहाँ पैसा यहाँ से डबल हो सकता है। लेकिन अभी आपने शॉर्ट टर्म व्यू से ख़रीदा हुआ है तो ये जो लेवल है नीचे की ओर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। आप चाहे तो 560 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हो जब तक स्टॉक 560 के ऊपर है, क्योंकि दो बार स्टॉक ने इसी लेवल से सपोर्ट लिया था, एक अभी नीचे की ओर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 560 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है, लेकिन अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है 600 का जोन, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। अगर रिजेक्शन लिया तो यहाँ से इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा 580 का लेवल। जब तक 560 के ऊपर है तब तक अपसाइड की संभावना बनी हुई है। जिस तरह से मार्केट भी चल रहा है, रैली दिखा रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट भी यहाँ से अच्छा टारगेट दिखा सकता है ऊपर की ओर। अगर इसी तरह से मार्केट में मोमेंटम रहा तो यहाँ से आपको 640 तक के भी टारगेट ऊपर की ओर टाटा मोटर्स दिखा सकता है।